मिसाल इस प्रकार से आपने जीवन दिया है, उसके तहत हम इसी प्रकार से आपके गुरु का अपने जीवन को रखें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर की दया उसका आत्मा निरंतर हमारे साथ में बना रहे। और साई अंदर प्रार्थना करें और उसके तहत हम उसके नाम को धन्यवाद देंगे। सब पहली बात वचन से पढ़ते हैं जो इस प्रकार से है, परमेश्वर जो हमारा बल है उसका भी नारद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जयकार करो, वजन उठाओ रफ और मधुर बजने वाली बिना और सरंगी को ले जाओ, नए चाँद के दिन और पूर्णिमासी को हमारे पर्व के दिन लसी का फूको, क्योंकि यह इसराइल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। परमेश्वर के नाम को हम सभी साथ मिलकर धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। Amen.
की जय। यीशु अब बचाता है, बने है ईमान उससे सा मैं हुआ हूँ, तुझी में है मेरी जान, तेरे साथ मैं भजन संहिता अनुचित न्याय की वर्णना। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे। कंगाल और अनाथों का न्याय छुपाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से काल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। वे ना तो कुछ समझते और ना कुछ जानते, परंतु अंधेरे में चलते फिरते हैं, पृथ्वी की पूरी नींद गिर जाती है। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब प्रधान भगवान के पुत्र हो, तो भी तुम मनुष्यों के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। परमेश्वर उठ, पृथ्वी का न्याय कर, क्योंकि तू सब जातियों को अपने भाग में लेगा।